प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा सी टेट यू पी टेट एच टेट पी टेट यानी पूरे भारत में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका जो चाइल्ड साइकोलॉजी पार्ट होता है उसमें कम से कम दो प्रश्न जरूर बनते हैं। जीन पियाजे पर कम से कम दो प्रश्न जरूर बनते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि पूरे के पूरे इस टॉपिक को ध्यान से सुने और समझें ताकि हम जो जेबीटी परीक्षा देंगे उसमें भी हमें इसके मार्क्स मिलेंगे और साथ में जब हम सी टेट एच टेट या अन्य किसी टेट की परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें इससे संबंधित बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो पियाजे थे उनके बारे में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं जो स्विट्जरलैंड है वो एक बहुत ही विकसित देश है। तो उस समय संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो भी रिसर्च हुई थी जो भी शोध कार्य हुए थे उनमें से जो पियाजे थे उन्होंने उस समय एकदम क्रांति ला दी और अपने जो सिद्धांत थे उनके आधार पर सबसे ज़्यादा मान्यता उन्हीं के जो सिद्धांत है उसको हमारे जो मनोविज्ञान में प्राप्त है। तो जो पियाजे थे उनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहा था कि बालक में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और खोज करने की जो प्रवृत्ति है या स्वरूप है वह न तो बालक के परिपक्वता स्तर और न ही उसके अनुभवों पर निर्भर करता है बल्कि जो उसके अनुभव हैं और परिपक्वता स्तर है इन दोनों का मिला जुला रूप होता है यानी इन दोनों से ही उसके ज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पहले भी पढ़ा था जब हम व्यक्तित्व डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह है पर्यावरण की देन या उसके जो आनुवंशिकता में उसको जो जीन्स के रूप में मिला है वह है एक अकेला कारक महत्वपूर्ण नहीं होता दोनों ही कारक जो उसे अपने माता पिता से जो आनुवंशिक गुण मिले हैं वह है और उसके आसपास का पर्यावरण दोनों मिलाकर उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। ऐसे ही जो बालक है उसके वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन और मनन करने की जो प्रवृत्ति है खोज करने की प्रवृत्ति है वह उसके परिपक्वता स्तर और जो उसका अनुभव है उन दोनों के रूप दोनों के द्वारा ही उसका जो चिंतन करने का खोज करने का जो स्तर है वो डेवलप होता है। तो जो पियाजे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो संप्रत्य हैं थोड़ा उनके बारे में हम जानें। तो सबसे पहला है अनुकूलन और जो अनुकूलन है वो उसको भी दो भागों में दो अंतरक्रियाओं में उसको विभाजित किया गया है। एक है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई चीज़ बताई गई तो बालक जिस जो बालक परिवेश से कुछ सीखता है वह उसको आत्मसातकरण कर लेता है यानी उसको अपना लेता है। दूसरा है समायोजन। समायोजन क्या होता है हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना यानी उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेना ही क्या कहलाता है समायोजन कहलाता है यानी अनुकूलन ही क्या है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं कि हम जैसे गर्मियों के दिनों में हमारा शरीर गर्मी को सहन करने के योग्य हो जाता है सर्दियों में सर्दी को सहन करने के। कई बार क्या होता है अचानक यदि मौसम परिवर्तन हो जाए तो हमारे आसपास या हम सभी एकदम से बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर है अभी उसके लिए अनुकूलित नहीं कर पाया। और वैसे ही हम जानते हैं कि हमने जो विकासवाद पढ़ा था उस विकासवाद में पढ़ा था कि जिसने अपने आप को परिवेश के अनुकूल डाल लिया वो जिंदा बना रहा और जिसने अपने आप को परिवेश के अनुकूल नहीं डाल पाया तो वो इस संसार को छोड़कर ही चला गया। तो इस प्रकार से दूसरा है साम्य धारणा। साम्य धारणा यानी जो हमारे धारणाएँ वो साम्य होनी चाहिए। उसके बाद है संरक्षण। संरक्षण क्या होता है हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ हम उसका संरक्षण करें हमने जो सीखा उसको संरक्षित करें यानी हम उसको भूले नहीं तो संरक्षण है। मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया है मानसिक प्रक्रिया क्या होती है कि हम जो सीखते हैं चिंतन करते हैं मनन करते हैं
और उसके आधार पर हम जो तर्क के आधार पर यानी तर्क करके जो सीखते हैं वो हमारी मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी एक एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि तर्क है, तर्क वितर्क, इससे जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो स्थायी ज्ञान होता है। इसके बाद है फिर स्कीम, यानी हम जो योजनाएँ बनाते हैं उन योजनाओं के आधार पर हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं। उसके बाद है फिर स्कीमा। तो स्कीमा है, स्कीमा के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में तो बाद में जानेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है जो लोगों को लोगों के स्थान, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में ज्ञान के लिए रूपरेखा के रूप में कार्य करता है, उसे हम स्कीमा का नाम दिया गया है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, अब हम प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं उनके बारे में जानते हैं। तो प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं उनको चार भागों में बांटा गया है। तो एक प्रश्न तो सी टेट, यूपी टेट या जो भी टेट्स की परीक्षाएं होती हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें एक प्रश्न तो यही बनता है कि जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास था उसको कितने भागों में बांटा गया। तो बता देंगे चार भागों में, या कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो चार भागों में किसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, किसने किया, तो हम उसके बारे में बता देंगे, प्याजे ने। तो जो सबसे पहली अवस्था है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की, पहली अवस्था है वह है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहला है प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेप्स ऑफ प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर फर्स्ट है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेगात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम सेंसरी मोटर स्टेज या संवेगात्मक इंद्रिय जनित गामक अवस्था के रूप में जानते हैं, जिसकी जो अवधि है वो 0 से 2 वर्ष के रूप में होती है। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर उलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखता है, या फिर कई बार उसको अपने मुंह में भी ले लेता है, और इस प्रकार से वह उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हमने अपने घर में जो बच्चे हैं उनको देखा होगा कि वो कई बार वस्तुओं को अपने मुँह में ले लेते हैं, टच करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखकर। कई बार क्या होता है, बच्चा जैसे किसी वस्तु को रखता है और वो गिर जाती है, यानी उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमने जो चीज़ जहाँ पर रखनी थी वहाँ रखी क्या नहीं, यानी धीरे धीरे फिर उसका डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था है उसका क्या नाम है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है उसका क्या नाम है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारी जो सी टेट या एस टेट की परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो जो ये हमारी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक में समाजीकरण, भाषाईकरण और आत्मकेंद्रता के जो गुण हैं वो विकसित हो जाते हैं, और बालक में नकल करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, यानी वो नकल करके सीखता है। वैसे भी हम जानते हैं हम ज़्यादातर दूसरे का अनुकरण करते हैं, यानी अनुकरण करते हैं यानी उसकी नकल करते हैं और उसी से हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चे में नकल करने की जो प्रवृत्ति है वो भी आ जाती है, और उसके अंदर शब्दों के प्रति समझ विकसित हो जाती है, चिन्ह एवं प्रतीकों में अंतर स्पष्ट करने लगता है। यानी इस अवस्था में आकर वह जो शब्द हैं, चिन्ह हैं, उनके जो चिन्ह हैं या प्रतीक हैं उनके बीच में वो अंतर को महसूस करने लगता है, यानी सीख जाता है। तो इसकी जो अगली अवस्था है उसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था, यानी तीसरी स्टेज है। जो ये अवस्था होती है इसमें बालक में पहचानना, विभेदीकरण करना, वर्गीकरण करना आदि के जो गुण हैं वो उसमें विकसित हो जाते हैं, यानी वो वस्तुओं को पहचान सकता है, उनमें विभेदीकरण कर सकता है यानी उनको अलग अलग छांट सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। वर्गीकरण यानी एक प्रकार की वस्तुओं को एक तरफ रखना और दूसरे प्रकार की वस्तुओं को दूसरी तरफ रखना, तो उसके अंदर जो पहचानना, वर्गीकरण करना, ये गुण हमारी जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं उसमें वह सीख जाता है। यानी जो मूर्त संक्रियावस्था है उसमें वह विभेदीकरण है, वर्गीकरण को वो सीख जाता है। तो इस प्रकार से इस जो ये अवस्था है इसमें बालक में चिंतन और तर्क करने का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी वो तर्क और चिंतन करने लगता है।
और मेन रूप से देखें तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो उसके अंदर गुड़ विकसित होते हैं वो एक प्रौढ़ के गुड़ों के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है, यानी वो एक प्रौढ़ अवस्था की ओर अग्रसित होता है, चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, यानी तर्क भी करने लगता है इस अवस्था में आकर। तो जो तर्क के आधार पर ज्ञान वह प्राप्त करता है वो क्या है, स्थायी ज्ञान कर लेता है। अब जो प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अगली जो स्टेज है, यानी जिसको हम अंतिम अवस्था कह सकते हैं प्याजे के अनुसार, उसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की जो आयु है उसके अंदर उसको उसमें रखा गया है। इस अवस्था में बच्चे में संप्रेषणशीलता, संप्रेषण आप जानते हो कि कम्युनिकेशन, यानी हम जो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी यह गुण उसमें विकसित हो जाता है। तथा निर्णय क्षमता, यानी वो निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है, वो निर्णय ले सकता है। निर्णय लेना हमारे जो ज्ञान है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। लगभग इस अवस्था में आकर बच्चे का लगभग प्याजे के अनुसार संपूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की अवधारणा इस अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से हमने हमारा जो प्याजे थे स्विस मनोवैज्ञानिक, उनके थोड़ी सी जीवनी, मतलब कहाँ जन्म हुआ इसके बारे में जाना, और हमने उनके जो सिद्धांत थे उसके बारे में जाना। तो इसमें से लगभग दो तीन या कई बार मतलब एक प्रश्न तो छूटता ही नहीं है, हर बार एक प्रश्न तो ज़रूर आता है। तो JBT के जो हमारा कोर्स है उसके लिए भी, और जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए भी ये हमारा टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण था। आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा, और इसको समझने के बाद पेपर में जब भी आएगा तो आप अपने प्रश्नों का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो अगला जो हमारा अगले टॉपिक में हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमने हमारे जो प्याजे थे उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना। धन्यवाद।